नमस्कार दोस्तों, आज हमारे घर पे बनी है अंडा करी। वैसे अंडा करी मैंने कई जगह पे खाई है, लेकिन मेरी वाइफ जो अंडा करी बनाती है वो जबरदस्त होती है और उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो ये अंडा करी कैसे बनी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए, तो चलिए शुरू करें। तो फिलहाल हमारे पास में है ये 6 अंडे जो मुर्गी ने दिए थे। इन अंडों को हम लोग बॉइल कर लेते हैं। इसमें थोड़े से नमक का इस्तेमाल करिएगा ताकि आपके अंडे फटे नहीं उबलते वक्त और ना ही वो टूटे। जब तक आपके अंडे उबल रहे हैं, आपके नहीं मतलब मुर्गी के, तब तक हम लोग मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने 2 मीडियम साइज की प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, 3-4 मिर्च और जरा से काजू का इस्तेमाल किया। एक कढ़ाई को हम लोगों ने गर्म किया और उसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। मस्टर्ड ऑयल मतलब कड़वा तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद आधा चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया और जो ये सब्जियां हम लोगों ने काट के रखी थी ना, काजू वाजू सब समेत, वो इसमें डाल देते हैं और इन सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए, ये जो प्याज है, मिर्च है, काजू है, लहसुन है, इनको पकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका हम लोगों को पेस्ट बनाना है। तो जब पेस्ट बनाना होगा तो फिर पकाना तो पड़ेगा ही। फिर इसमें टमाटर हम लोग आखिरी में डालेंगे क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी बन जाता है और इसलिए आखिरी में हम लोग इस टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर टमाटर के साथ थोड़ी देर तक इन सारी चीजों को हम लोग पकाएंगे और जब थोड़ी देर पक जाएगा, यानी कि 5 से 10 मिनट हम लोग इसको पका लेंगे, फिर 2 चम्मच इसमें हम लोग भर कर धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। फिर इन सारी चीजों को मसाले के साथ आप पकाइए, जो पिसे मसाले है ना, इसके साथ पकाइए। फिर इसके बाद हम लोगों ने 2 चम्मच भर कर दही का इस्तेमाल किया, नॉर्मल दही जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। फिर दही के साथ हम लोगों ने पकाना शुरू किया। सब चीजें एक साथ नहीं डालनी है, धीमे धीमे करके पकानी है, धीरे धीरे कर डालनी है, क्योंकि हर सब्जी का, हर मसाले का पकाने का प्रोसेस जो होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर इसके बाद हम लोग लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। फ्लेम को लो जरूर कर दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सब्जियां थी, जो मटेरियल आपने डाला था, वो सारी चीजें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, पीसे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसको एक किनारे रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए इसको, गरम गरम मत पीस दीजिएगा। तब तक हमारे अंडे भी उबल चुके हैं, मतलब मुर्गी के, और अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। फिर इसके बाद जो मसाला हमारा ठंडा हो रहा था ना, उसको पीसने का प्रोसेस करते हैं। बस कुछ नहीं, मिक्सर जार के अंदर आपको डालना है और थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल दीजिएगा, क्योंकि उसी के सहारे तो आपका मसाला पिसेगा ना। बस जार में इसको पीस लीजिए, आसानी से 1 मिनट के अंदर पिस जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग फिर से कढ़ाई चढ़ाते हैं फाइनली, और अब की बार हम लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल, बाद में रिफाइंड ऑयल डाला। और जो अंडे आपने छील के रखे थे ना, उसमें फोक की मदद से, कांटे की मदद से उसमें छेद कर लीजिए। ये बहुत जरूरी प्रोसेस होता है ताकि आपके अंडे पकाते वक्त उछले नहीं और उसके अंदर का जो भी गैस है, पानी है, वो सारी चीजें निकल सके। अंडों को थोड़ा थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए, ऊपर ऊपर से इसको पका लीजिएगा। अब आपके अंडे उछलेंगे नहीं, आपके अंडे फटेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसमें थोड़े थोड़े छेद कर लिए थे ना। बस इन सारे प्रोसेस का जैसे जैसे ये होता चला जाता है, अंडों को निकाल लीजिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल किया। इसमें हम लोगों ने 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 1 तेज पत्ता, जरा सा जीरा, जरा सी दालचीनी और जरा सी जावित्री का इस्तेमाल किया। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इन सारे खड़े मसालों को इसमें डाल दीजिए। पहले 10 सेकंड इन सारे मसालों को पकने दीजिए। फिर इसके बाद जो आप लोगों ने मसाला तैयार करके रखा था ना, वो इसमें डाल दीजिए और मसाले को भी अच्छी तरह से पकाइए। हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए मसाला, ताकि ऑयल अलग हो सके, मसाला अलग हो सके और अच्छी तरह से मसाला भी पक सके। बस इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए और 5 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका मसाले से ऑयल अलग हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग फ्रेश क्रीम, यानी कि जो मलाई होती है ना दूध के ऊपर वाली, उसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। इससे आपकी करी में रिचनेस आएगी, एक अलग सा टेक्सचर आएगा और एक अलग सा कलर भी आएगा और टेस्ट तो लाजवाब बनेगा। थोड़े थोड़े बबल निकलेंगे, घबराइए नहीं।
अब 5 मिनट के बाद जो आप लोगों ने अंडे छील के और तल के जो रखे थे ना शैलो फ्राई करके, वो इसमें डाल दीजिए। साथ में हमने बहुत जरा सी कसूरी मेथी का भी इसमें इस्तेमाल किया है। कसूरी मेथी भी ऊपर से आप छिड़क दीजिए क्रश करके। और आधा चम्मच हम लोग ग्रेवी का नमक लेते हैं। देखिए नमक हम लोगों ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन नमक अब इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा अंडा करी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, अभी हुई नहीं है। फिर इसके बाद एक ग्लास पानी इसमें डाल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप किस तरीके की ग्रेवी खाना चाहते हैं, थिक खाना चाहते हैं या लाइट खाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही इसको पकने दीजिए और ढक कर रख दीजिए महज 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के लिए। आठ मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका अंडा करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फिर इसमें हम लोग 3 से 4 खड़ी मिर्च डाल देते हैं। मिर्च में कट जरूर लगा लीजिएगा। और ऊपर से फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आपका अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुका है किसी को भी सर्व करने के लिए। ये अंडा करी महज 5 मिनट के अंदर बना। 6 अंडे का हम लोगों ने अंडा करी बनाया और ऑलमोस्ट ये 3 लोग तो बड़े मजे लेके खा ही लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइए। और कौन से शहर से और कौन से देश से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, ऐसे वीडियो हम लोग और भी आपके लिए लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, खुदा हाफिज़।